राजू दास जी भी, महंत राजू दास जी। राजू दास जी, ये जो देश में माहौल खराब हो रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा इसकी जिम्मेदार है? और अगर गलत बयानबाजी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, सब लोग मान रहे हैं, तो क्या उसके बाद इस तरीके की घटनाएं होंगी? क्या वो वाजिब है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको दूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे आपने मुझको जोड़ा। नंबर दो, मैं साधुवाद देता हूँ उच्चतम न्यायालय को कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाँ, नुपुर शर्मा ने भड़काऊ बयान दिया जिसके कारण पूरे देश का माहौल खराब हुआ। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, लेकिन प्रश्न भी पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा पहले तो नहीं बोली। पहले कौन बोला? पहले इस्लामिक स्कॉलर बोले, बड़े बड़े मौलवी बोले। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ऐसे शब्दों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, मजहब से जुड़ा हो, वो धर्म का ठेकेदार किसी का नहीं हो सकता कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करे, किसी भी मजहब का अपमान करे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1947 में किसने माहौल खराब किया, इतने कत्लेआम हुआ? आप देखिए कि जिस प्रकार से, आप कश्मीर फाइल देख लीजिए, लोग दिखा रहे थे जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या हुई, किसने माहौल को खराब कर दिया। अब देखिए, यह देश संविधान से चलता है, तालिबान से नहीं चलेगा। आप देखिए कि एक नहीं, 1000 प्रकरण मैं आपको गिना सकता हूं, उत्तर प्रदेश में गला रेत दिया गया। उसके बाद तत्काल की घटना है राजस्थान में, इसके पहले भी 4-5 घटनाएं थे, इसके पहले की भी घटना है। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामिक स्कॉलरों से, इस्लामिक बुद्धिजीवियों से, क्या अगर जब आपने टीवी चैनल पे आपके लोगों ने भगवान राम के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम तो कभी रोड पे नहीं आए, हमने तो कभी पुलिस को पत्थर नहीं मारा, हमने तो कभी थाना नहीं जलाया, हमने तो किसी की गला नहीं देता। आप एक भी मामला बता दो कि राजू दास ने किसी को उकसाया हो, कहा हो कि फलाने की गला रेत दिया जाए, कोई घटना बता दो आप, कहीं कोई घटना हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको आगे आना पड़ेगा। लिपा पोती से काम नहीं चलेगी कि आप टीवी चैनल पर बैठकर बता दो कि हाँ गलत हुआ, और जब मस्जिदों में, मदरसों में जब शिक्षा दी जाए तो आपका धर्म बहुत सुंदर है, बाकी सब बेकार है। बाकी का विरोध उन जनभावना में भरो, उन नौजवानों में भरो, जो नौजवान दूसरे का सर कलम करने के लिए तैयार है। आपने